मुंबई की डिंडोसी पुलिस ने एक ऐसे बंटी बबली को गिरफ्तार किया है जो सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 1500 से ज़्यादा लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कथित बंटी बबली नेशनल सिक्योरिटी नाम की कंपनी का फर्जी दफ्तर मलाड़ रेलवे स्टेशन के पास खोल रखा था। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी खुद को कंपनी का मैनेजर बताते थे और फर्जी दफ्तर खोल कर लोगों को झांसा देकर उनके साथ ठगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक नौकरी दिलाने के बहाने गिरफ्तार आरोपी करीब 1500 लोगों को 25 से 30 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद लोगों दोनों आरोपियों का नाम कविता लाड और अब्दुल हमीद शेख है, जबकि इस गिरोह का जो मुखिया है या यूं कहें कि मुख्य साजिशकर्ता वह अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई कर कंपनी के नाम से खोले गए उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया है जिसमें आरोपी लोगों से पैसे डलवाते थे। डिंडोसी पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अतुल माली की यदि माने तो जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने जाता उससे यूनिफॉर्म देने के बहाने 2500 से 3000 रुपये जमा करवाते थे और अगले महीने नौकरी दिलाने की बात कहते थे। करीब 3 महीने तक इसी तरह से सातिर आरोपियों ने लोगों से नौकरी दिलाने के बहाने रुपये ऐंठते रहे और फिर एक दिन दफ्तर बंद कर फरार हो गए। दरअसल एक व्यक्ति जिसने नौकरी के लिए आवेदन किया था वह नौकरी पाने के लिए जब उस ऑफिस पर पहुंचा तो ऑफिस बंद था, जिसके बाद उसने डिंडोसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी डिंडोसी पुलिस ने तकनीकी जाँच के आधार पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। फिलहाल डिंडोसी पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने अपील की है कि जो भी लोग कथित आरोपियों द्वारा ठगी का शिकार हुए हैं वे सभी लोग आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और पुलिस की जांच में मदद करें। डिंडोसी पुलिस स्टेशन के एरिया में प्रगति शॉपिंग सेंटर है माला स्टेशन पे नेशनल सिक्योरिटी नाम का एक ऑफिस चालू किया था सिक्योरिटी सुपरवाइजर भर्ती के लिए। उन्होंने एक महीना अगस्त महीने में पूरा एक महीना मुलाकात लेते समय ड्रेस कोड का पैसा बोल के 2000 से 3000 लोगों के पास से पैसा कलेक्ट किया था। कम से कम 900 लोगों का मुलाकात लिया है और इसमें से 2 से 3000 से 25 या 30 लाख तक उन्होंने पैसा कलेक्ट करके ऑफिस बंद करके चले गए थे। पुलिस स्टेशन में लोगों ने अप्रोच करने के बाद हमने गुना दाखिल किया था। गुना दाखिल करने के बाद आरोपी मोबाइल और एड्रेस चेंज करके गए थे तो मिल नहीं रहे थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद कविता लाड़ और अब्दुल शेख नाम के दो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। जो मेन आरोपी है निशांत जितेंद्र वो अभी तक वांटेड है। लोगों को इस चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि जिनके साथ ये चीटिंग हुआ है उन्होंने डिंडोसी पुलिस स्टेशन को संपर्क